हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके कोचिंग में। मैं हूं आपके साथ सौमित। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल देखकर आप यहां वीडियो पर आए हैं, जो आपको आपके अंदर एक क्वेश्चन है कि भाई नवोदय विद्यालय में टीवी होते हैं या नहीं, तो मैं आपको जवाब दे दूं, होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं जैसे आप घर पर देखते हैं। तो इससे पहले मैं इस बात का जवाब दूं, मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या है कि जो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है, हम YouTube के थ्रू और पर्सनली ऑनलाइन हम लोग दोनों ही चालू करने वाले हैं। आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे नंबर दिया गया है। आप ऑनलाइन लेना YouTube के थ्रू लेना चाह रहे हैं तो YouTube के थ्रू ले सकते हैं, और ऑनलाइन पर्सनली लेना चाहते हैं तो आप पर्सनली भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा कि नवोदय विद्यालय में टीवी होते हैं या नहीं। मैंने कहा होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते जैसे होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो नवोदय विद्यालय है, आपको जो टीवी है वो आपको हर टाइम नहीं दिखाएगा, या फिर जब आपकी मर्जी करेगी वो आपको तब टीवी नहीं दिखाया जाएगा। तो देखिए, ये मेरे पास एक कमेंट आई थी, कमेंट में मुझसे पूछा गया था कि नवोदय विद्यालय में टीवी होते हैं नहीं होते हैं। मैंने पहले भी पिछले साल भी वीडियो दिया था इस चीज पे, लेकिन वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार थोड़ा मॉडिफाई करके इस वीडियो को मैं दे रहा हूँ। इससे अगला जो मेरा वीडियो है, आप लास्ट में जाकर देख लेना, उसमें मैंने नवोदय विद्यालय के अंदर जाकर उसको दिखाया है कि पूरा नवोदय विद्यालय कैसा होता है। ठीक है, आप उस वीडियो को लास्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो टॉपिक है उस पर आते हैं हम लोग। जो हमारा जो टाइमिंग होती है नवोदय विद्यालय की, वो टीवी दिखाने के लिए वो हमारी वो नहीं होती है जो होनी चाहिए। मतलब पहला प्रोसेस होता है नवोदय विद्यालय का कि आपको टीवी वीक में एक बार दिखाया जाएगा। मतलब सैटरडे की रात आपको कोई एक फिल्म आपको चला दी जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। कई बार किसी किसी नवोदय में ऐसा होता है कि बड़े पर्दे पर वो फिल्म दिखा दी जाती है, और वो आप लोग उसको एंजॉय आप एवरी सैटरडे कर सकते हैं। लेकिन कई बार नवोदय में, अब क्योंकि जो मनोरंजन है वो हमारे जो डेली लाइफ है, जो हमारी डिजिटल मनोरंजन, वो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो इसको देखते हुए जो समिति है उसने कई सारे अपने इस प्रावधान में, मतलब कि इसमें बदलाव किए हैं। अब नवोदय में टीवी हर रोज दिखाया जाता है, लेकिन किस समय, वो आपको जो दिखाया जाता है जब आप खाना खाने जाएंगे, मतलब आप लंच में, और आप जब डिनर में जाएंगे तब आपको टीवी दिखाया जाएगा, लेकिन आप अपनी मर्जी का उसमें नहीं देख सकते हैं। मतलब कि आपको यदि किसी, आपको फिल्म देखने का मन कर रहा है तो जरूरी नहीं है आपको फिल्म दिखाई जाएगी। उस समय आप न्यूज, या फिर जो सभी बच्चे जितने भी वहां मैस में, ये आपका टीवी लगा हुआ होता है मैस जहाँ पे आप खाना खाते हैं, तो वहां पे जब जो मतलब जिस प्रोग्राम को सभी बच्चे कह रहे हैं, आपका वो प्रोग्राम चलाया जाता है। आपकी मर्जी से, अकेले की मर्जी से नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो तीसरा प्रावधान होता है नवोदय विद्यालय में, कोई कोई प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल सर होते हैं, वो आपको टीवी देखना अलाउ नहीं करते हैं। तो इसलिए उन नवोदय में जो आपका टीवी है वो 15 दिन में एक बार चलाया जाता है। उसमें लड़कियों का टीवी अलग होता है, लड़कों का टीवी अलग होता है। लड़कियों का टीवी लड़कों के मैच में होता है, लड़कियों का टीवी लड़कियों के मैच में होता है। लेकिन कुछ नवोदय में अभी केवल एक ही मैच है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर खाना खाते हैं, तो उसमें आपका एक ही टीवी लगा होता है, लेकिन वो टीवी आपको उसको अलग से अलॉट कर दिया जाता है, वो अपने हॉस्टल्स में भी उसको लगा दिया जाता है। तो आपकी जो टीवी वाली बात है, ये मैंने आपको क्लियर कर दी। इससे बाद में आप हमारी जो मोबाइल ले जा सकते हैं या नहीं, वो भी वीडियो देख सकते हैं, और आप बाकी की भी वीडियो आप जो ऊपर चल रही थी वो आप देख सकते हैं। लेकिन लास्ट में नवोदय विद्यालय अंदर से कैसे होते हैं, इस वीडियो को आप देखना ना भूलें, क्योंकि वीडियो शॉर्ट करेंगे तो गर्मी बहुत है, और आपको पंखे चलाना नहीं पड़ता है क्योंकि आवाज नहीं तो क्लियर नहीं जाती है। तो दीजिए अपने सौमित को इजाजत, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप टॉपिक बताते जाइए, मैं आपको वीडियो देता जाऊंगा, ठीक है। और प्लीज एक सपोर्ट आपका बनता है, लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपका टॉपिक, आपकी बात, आपके लिए, और मेरा बस आपका सपोर्ट चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।